नमस्कार, हूँ आदर्श छु। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 16, माय हाउस। राइट, लास्ट वीक आई हैव सीन द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। राइट, so now let's continue with our main chapter of textbook. Okay, so open your page number 105. Right, open. Very good. So firstly we will see here what is given. Here a boy is telling his own story of his house. Right, so we can also describe our house in this way. You can also say to someone, to your friends also, right? You can also say your house story to your friends, right? But here a boy is giving his house story to us, right? So let's see what he is saying about his house, right? So chalo, start reading and concentrate here, okay? What's given here? First, my name is Naseem. My name is Naseem. उसका नाम क्या है? बॉय जो हमें स्टोरी बता रहा है उसका नाम क्या है? Naseem. What is his name? वहां पे भी उन
दिया है राइट एक्टिविटी में, और ये एक वीक तक चलेगा और वो उस कैंपिंग में कहीं सारे जगह से स्टूडेंट्स आए हैं राइट, ताकि वो कैंपिंग में पार्ट ले सके और कैंपिंग के लिए टेंट्स हैं हर किसी के लिए राइट। यहाँ हमें पिक्चर में दिख रहा होगा ना कैंप टेंट्स राइट, सो दिस आर कॉल्ड टेंट्स राइट। ये किसके होते हैं टेंट्स बने हुए, टेंट्स होते हैं ना क्लोथ्स के बने हुए राइट, कपड़े में से बने हुए होते हैं ना पूरे, यस वेरी गुड। कैंप टेंट्स क्यों हम करते हैं, टेंट्स क्यों बनते हैं, ताकि हमें ठंडी ना लगे राइट, और कोई भी आउटडोर हम जैसे कि कैंपिंग के लिए हम फॉरेस्ट एरिया और ये सब होता है, तो फॉरेस्ट एरिया में घर तो और ये सब तो होता नहीं है, तो हमें कोल्ड से एटमॉस्फेयर से हमें कैसे प्रोटेक्शन मिलेगी, इसीलिए हम टेंट्स को यूज करते हैं राइट, हम टेंट्स लगाते हैं गुड। सो चलो नेक्स्ट वर्ड इज गिवन, वी हैव डेकोरेटेड द स्कूल ब्यूटीफुली, एंड उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपना स्कूल बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली उन्होंने डेकोरेट किया है राइट। जैसे कि हम भी डेकोरेट करते हैं ना हमारा स्कूल, जैसे कि हम देखें तो 26 जनवरी को 15th ऑफ अगस्त को हम देखते हैं ना पूरे स्कूल में हम मस्त ऐसे ब्यूटीफुल डेकोरेशन करते हैं ना फ्लैग से 3 कलर्स से और ऐसे सब हम डेकोरेट करते हैं ना, यस वेरी गुड। तो उसी तरह कई सारे उन्होंने भी इस कैंपिंग के लिए उन्होंने स्कूल ब्यूटीफुली डेकोरेट किया है राइट। सम चिल्ड्रंस हैव यूज्ड पीसेस ऑफ क्लोथ्स टू मेक स्ट्री मार्क्स फ्रॉम द डोर्स राइट, कई सारे चिल्ड्रंस ने क्या किया है, उन्होंने एक क्लोथ ऑफ पीस में से क्या बनाया है, स्ट्रीमर्स बनाए हैं ताकि वो डोर्स को भी डेकोरेट कर सके राइट। हमने स्ट्रीमर्स देखा है ना हम पार्टीज में, या तो उसके लिए हम डेकोरेट करते हैं ना, हम क्लोथ्स में से नहीं बनाते, वो पेपर में से बने हुए होते हैं, जैसे कि ऐसे वाले होते हैं ना ज़िगज़ैग वाले पेपर्स, ऐसे लंबे वाले राइट, तो उनको हम स्ट्रीमर्स बोलते हैं गुड। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, ये वाला स्ट्रीमर्स है वो क्लोथ्स से बनाया है वेरी गुड, किसके लिए, डोर को डेकोरेट करने के लिए गुड। Some have made posters using almond shells, while others have made rangolis using dry leaves and sawdust. अभी और क्या किया है, ये स्ट्रीमर्स तो हो गए, और क्या क्या किया है, पोस्टर्स बनाए हैं almond shells राइट। हमने almond shells देखे ना, जैसे कि पिस्ता shells होते हैं उसी तरह आलमंड के शेल्स से भी उन्होंने एक पोस्टर भी बनाया है पूरा डेकोरेशन के लिए, और कई सारे लोगों ने क्या किया है, रंगोलीज भी बनाई है, किससे रंगोली बनाई है, ड्राई लीव्स एंड सॉडस्ट से राइट। सॉडस्ट मीन्स हम मिट्टी और ये सब होता है ना उससे, और ड्राई लीव्स मीन्स हमें जो पेड़ पे ड्राई लीव्स होते हैं ना गुड, और उनसे उन्होंने कई सारे लोगों ने डेकोरेशन के लिए यूज किया है राइट। सो ये हुई ना इसकी स्टोरी पूरी, यहाँ पे उसने क्या क्या दिखाया हमने, पहले तो इसका नेम क्या है जो हमें स्टोरी बता रहा है राइट, वेरी गुड नसीम, और ये कहाँ पे रहता है, श्रीनगर राइट, और उनके स्कूल में एक वीक की कैंपिंग है राइट। तो एक वीक की कैंपिंग के लिए उन्होंने टेंट्स भी लगाए हैं ओके, फिर टेंट्स तो बनाए हैं, उसके साथ साथ दे हैव डेकोरेटेड देयर स्कूल वेरी ब्यूटीफुली, फॉर फ्रॉम वेयर दे हैव डेकोरेटेड, फ्रॉम विच थिंग्स दे हैव डेकोरेटेड राइट, जैसे कि फॉर डोर्स दे हैव मेड स्ट्रीम्स फ्रॉम द क्लोथ ऑफ पीस राइट, एंड सम हैव मेड आलमंड शेल्स फॉर द पोस्टर्स राइट, दे हैव यूज्ड आलमंड शेल्स टू मेक अ पोस्टर्स राइट, एंड सम हैव डन रंगोलीज राइट, फ्रॉम विच थिंग्स रंगोलीज आर मेड फ्रॉम राइट, ड्राइड लीव्स एंड
Dust, very good. So up till this we are seeing, from next video we will see the next what is doing. Okay, so आगे क्या होता है वो हम next video में देखेंगे. Okay, so यहाँ तक आप सब लोग पहले read कर लेना, समझ लेना. Okay, thank you for joining us.